आईपीएल का क्रिकेट लवर्स में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। वहीं अब आईपीएल लवर्स के लिए बीसीसीआई ने बड़ी खुशखबरी दी है। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया है। विमेंस आईपीएल शुरू होने से फैंस को काफी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि मेंस आईपीएल के साथ ही फैंस अब विमेंस आईपीएल का भी आनंद लेंगे। बीसीसीआई ने 18 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित एजीएम की बैठक से पहले ही अपने सर्कुलर में विमेंस आईपीएल को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने विमेंस आईपीएल को लेकर कहा है कि देश में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से बोर्ड अब आईपीएल की तरह विमेंस आईपीएल भी आयोजित कराने का इरादा रखता है। आपको बता दें कि विमेंस आईपीएल की मांग काफी दिनों से हो रही थी, अब बीसीसीआई ने विमेंस आईपीएल को लेकर भी अपने इरादों को साफ कर दिया है। भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम ने विश्व स्तर पर अच्छा खेल दिखाया है। टीम 2018 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची हुई थी और 2020 में T20 विश्व कप का फाइनल खेला था। यहाँ तक कि इसी साल आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक हासिल किया था। इसके अलावा विमेंस T20 चैलेंज को भी काफी लोकप्रियता मिली थी, जिसमें 3 टीमें खेली थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने विमेंस आईपीएल में 5 टीमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। सर्कुलर में जानकारी दी गई है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन रखने और प्रतिस्पर्धी टीमों के लिए विमेंस आईपीएल के लिए 5 टीमों को शामिल करने का अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया है। विमेंस आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने अपने सर्कुलर में कुछ बातों को साफ कर दिया है। सर्कुलर में बताया गया है कि विमेंस आईपीएल की सभी टीमों के ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ियों को रखना होगा। इसके साथ ही एक टीम में 6 विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा शामिल नहीं किया जा सकेगा। विमेंस आईपीएल की टीमों में 5 विदेशी महिला खिलाड़ी शामिल होंगी। प्लेइंग 11 की शर्त यह होगी कि आईसीसी के पूरे मेंबर्स में से 4 और एसोसिएट मेंबर्स में से 1 खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।